तो दोस्तों, आज भारत की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान ने एक बात तो साबित कर दी है कि चाहे कुछ भी करे भारत, कितना ही पाकिस्तान को क्यों ना झाड़े, परंतु पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। दरअसल आप सभी को पता है कि अभी हमारे गोवा के अंदर SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें पहली बार पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी भारत की यात्रा पर आए थे। और SCO के समिट से पहले हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब जी ने पूरा संदेश पाकिस्तान को दे दिया था कि भारत पाकिस्तान की कोई खास इज्जत करने वाला है नहीं। और यह जो आप सभी वीडियो देख रहे हो, इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया लाल हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को लग रहा था कि भारत बिलावल भुट्टो जरदारी का रेड कारपेट के ऊपर स्वागत करेगा। और हुआ उल्टा, भारत के विदेश मंत्री ने तो बिलावल भुट्टो जरदारी से हाथ तक नहीं मिलाया और केवल नमस्ते करके ही उनका वेलकम किया। और फिर SCO की मीटिंग के अंदर भारत ने पाकिस्तान को अच्छे तरीके से धोया और आतंकवादी गतिविधियों को लेकर भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को खूब खरी कोटी सुनाई। परंतु दोस्तों, इतनी धुलाई होने के बाद भी पाकिस्तान वाले सुधरने को तैयार नहीं हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी SCO की मीटिंग खत्म होने के पश्चात कश्मीर का राग आखिरकार अलापने ही लगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने गोवा में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हों, यह जिम्मेदारी भारत की है। और यदि भारत जम्मू कश्मीर में 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म ना करता, तो आज भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे होते। और पाकिस्तान का तो यह कहना है कि हमारी सरकार तो भारत के साथ शांति चाहती है, परंतु भारत ने कश्मीर में कुछ कदम उठाकर इस शांति को भंग कर दिया। और पाकिस्तान के जले पर नमक तब छिड़क गया जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत अब तो जम्मू कश्मीर के अंदर G20 समिट की एक मीटिंग भी करने वाला है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित एरिया है। पर आप सभी जानते हो कि बिलावल कुछ भी कहते रहें, भारत को इससे फर्क पड़ने वाला है नहीं। भारत G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर के अंदर करेगा, जैसा SCO की मीटिंग गोवा के अंदर हो गई है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, और आज SCO की मीटिंग के अंदर पूरे 8 देशों के सामने भारत के विदेश मंत्री ने जो पाकिस्तान को धोया है, वो क्या भारत ने सही किया? कमेंट बॉक्स में। फिर आप स्थिति का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।